नमस्कार दोस्तों, ये आईटीआई राजकोट ऑफ गुजरात स्टेट है और यहाँ पर जो जॉब मिला चल रहा है यहाँ पे, ये मैं दिखा दूँ आपको, आईटीआई राजकोट है ये, ठीक है। और मैं आपको ये पूरा कैंपस दिखा रहा हूँ जो आईटीआई का कैंपस है राजकोट सिटी का, और मैं आपको दिखा जा रहा हूँ यहाँ पर अभी जॉब मेला चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो HSC मतलब 10 पास 22 पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो और ITI किए हुए जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो नवयुक हैं, जो यहाँ पर जॉब के लिए आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर कितनी बेरोज़गारी है आपको मैं बता दूँ। मैंने भी सारे इंटरव्यू में गया, यहाँ पर कम से कम 10 से 20 से 25 कंपनियाँ हैं जो IT सेक्टर से हैं और हर सेक्टर कंपनियाँ, प्रोडक्शन, फर्नीचर, फूड, सारे कंपनी के कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी हैं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर नहीं है, सारे प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो जॉब ऑफर कर रही हैं। एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ बोल रहे हैं कि जॉब वैकेंसी आएगी आएगी, यहाँ पर मैं देखा हूँ कि वैकेंसी तो कोई हो नहीं रही है, बस एक हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऑफर, मतलब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर कि सब, ये कल न्यूज़ में आएगा कि हाँ भाई इतना जॉब मिला लगवाया गया, नहीं कितने को जॉब मिला वो कोई एंश्योर नहीं करेगा, कितने बच्चे जॉब पाए ये कोई एंश्योर नहीं करेगा, बस होगा कि भाई ITI के अंदर जॉब मेला लगा था और इतनी सारी कंपनियाँ आई थी, जॉब वैकेंसी इतनी निकली हुई है। मैं खुद फायर सेफ्टी इंजीनियर हूँ और प्लस एक सर्विसमैन हूँ और मैंने खुद अपनी वैकेंसी 5 सर बोले हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास कम से कम मैंने 10 से 8 कंपनियों में गया यहाँ पे जो उनके रिसेप्शन से लगे हुए, जो स्टोर लगे हुए, तो मैं एक मेरे को कहीं भी किसी भी 10 या 15 स्टोर पे गया, कोई भी ये नहीं बताया भाई मेरे को फायर सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत है। जैसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो ये आउटर या अंदर आपको तो इससे भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और पेमेंट क्या है 7,000, 8,000, 10,000, मतलब ये बताइए एक कोई ग्रेजुएशन करने के बाद फ्रॉम LKG टू ग्रेजुएशन 15 साल, मतलब 10 और 12 प्लस 3 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे पेमेंट मिले सिर्फ 10,000, मुझे पेमेंट में सिर्फ 10,000, 7,000, एक जो नेशनल सिक्योरिटी थी वहाँ पर मेरे को पेमेंट बताया 7,000 रुपया, 7,000 रुपया मतलब मिनिमम वेजेस 312 के हिसाब से भी नहीं है, तो ये शोषण, मतलब क्या है शोषण जो हो रहा है पढ़े लिखे युवा वर्ग का, जो शोषण हो रहा है। गवर्नमेंट वैकेंसी तो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी, ना के बराबर है, सिर्फ दिखावे के बराबर है, और अभी जो शोषण हो रहा है जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है, मजबूर हैं, जो पेट भरने के लिए मजबूर है, जो 7-8 हज़ार में काम करें, वो उनका मैं आपको लाइव नज़ारा दिखा रहा हूँ, इसको वीडियो को वायरल किया जाए ताकि पता चले कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है आजकल, पढ़े लिखे युवा वर्ग को कैसे शोषण किया जा रहा है। जब आपको कोई जॉब मिलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, 7,000 में काम करोगे, आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, थैंक यू।